नाम दिशा है मैं सर के साथ पिछले छह महीने से एड हूँ और मैं सर के साथ जो मास्टर कोर्स था न्यूमरोलॉजी का टीटीसी का कोर्स था उसमें मैंने ज्वाइन किया था आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स सर का उन्होंने मुझे, मुझे मौका दिया तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार न्यूमरोलॉजी जिसे हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं व्हीकल माने जो भी आपके व्हीकल्स हैं और जैसे कार है स्कूटी है बाइक है आप उसके नंबर को कैसे जज करें क्या नंबर यूनिवर्सल है क्या रेमेडीज है या जो है उनको कैसे रेमेडी से आप सही कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं अगर आपने कोई नई कार खरीदी है और जो कार है उसमें अगर आप अपने ईष्ट देव की फोटो लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रेमिडियल एक पार्ट होता है वो आप सबको करना चाहिए अगर आपको ईष्ट देव अपने नहीं पता है तो किसी भी भगवान की फोटो आप लगा सकते हैं वैसे आपको पता होने चाहिए आपके पास न्यूमरोलॉजी है आप उसके डी और सी से भी पता लगा सकते हैं अगर आपका बाई चांस जो सम है वो एट पे आ रहा है और कोई कंडीशन ऐसी है आपको नहीं पता था वो व्हीकल आपके पास पहले से ही है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि कार के अंदर की सारी चीजें व्हाइट कलर की ले सकते हैं कवर ले सकते हैं ड्राइवर की सीट बनवा सकते हैं कुशन ले सकते हैं या पूरी सीटों पे ही आप व्हाइट कलर करा सकते हैं तो ये है इसका रेमिडियल पार्ट अगर आपके पास व्हीकल है और उसका सम एट है तो अगर आपके पास व्हीकल है और उसका फोर है तो उस में आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है और अगर है ब्लैक कलर तो आपको वहां पे अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर चार है तो सर आपका सम नंबर नाइन है तो पहले तो आप डी और सी देख लीजिए फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको यूज करना है तो आपको उसको वाइट कलर यूज करना ही पड़ेगा अगर आप व्हाइट कलर की कार ले रहे हैं तो व्हाइट कलर की लीजिए सब नाइन है वाइट कलर का व्हीकल लीजिए व्हाइट कलर जितना ज्यादा आप उसमें यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन नाइन जो है वो आप एक बार अवॉइड कीजिए वो ज्यादा अच्छी बात होगी अब जैसे कि उषा जी ने पूछा था कि उनका नंबर चार से शुरू हो रहा है तो अगर आप वैसे देखे तो अगर किसी का नंबर है और उसके सेकंड प्लेस पे यानी कि अभी मैंने ट्रिपल फाइव वन बोला था अगर वो फाइव एट फाइव वन होता तो वो नंबर बहुत ही ज्यादा आपको जल्दी बोला जाता है कि उसको चेंज कर दो या अवॉइड कर दो क्योंकि वो एक्सीडेंट प्रोन ज्यादा होता है जहां सेकंड डिजिट में आठ नंबर आता है या चार नंबर आता है तो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो एक्सीडेंट प्रोन ज्यादा होता है रेमेडी के बाद भी आप यंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप नॉर्मल है तो आपको सम एट और सम फोर में यंत्रों का भी इस्तेमाल आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं